हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देयर और ये प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन का कुछ इस्तेमाल करके रखा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन टू गैस मॉलिक्यूल्स एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एस फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली जो एन टू गैस मॉलिक्यूल्स है उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है स्टूडेंट वो होता है थ्री बाय टू केबीटी सो एन टू गैस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल का जो बेसिकली एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो है थ्री बाय टू के बी टी और यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन दे के रखा है कि जो थ्री बाय टू के बी टी यानी कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ये बेसिकली इक्वल है एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के दैट इज एसरलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट सो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली ई वी बन जाएगा ई वी जनरली हम इक्वेट करते हैं लाइक काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू

और E इज बेसिकली 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल देकर रखा है डिफरेंस देके रखा है जीरो पॉइंट वन तो स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लेंगे एंड आफ्टर सॉल्व आपके पास जो T का वैल्यू आएगा वो आएगा सेवन केल्विन। थ्री कैलवी इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकिन आफ्टर सॉल्विंग दैट आपके पास टी का वैल्यू आ जाएगा 773 केल्विन क्योंकि आपने एसआई आई सिस्टम में सारी कैलकुलेशन करके रखी है तो आपके पास एबसलूट स्केल की टर्म्स में अपने टेम्परेचर का आंसर आएगा दैट इज सेवन सेवनटी लेकिन क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सेंटीग्रेड में तो हम इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे लाइक सेवन सेवेंटी माइनस टू सेवनटी थ्री तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो जाएगा फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड सो टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पर बेसिकली एक जनरल जो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी उसका होता है व्हेन इट इज़ बीइंग एसोलेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है ट्रांसलेशन थी बाई टू के बी टी उसका यूज़ कर करके हमने इसको सॉल्व किया है तो गिवन कंडीशन में चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया गया है और अननोन टी को निकाला गया है थैंक यू